हेलो एवरीवन, कंटिन्यू विद द सेम एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 7.3, सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। टुडे वी विल डू द रेस्ट सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वी हैव कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस मॉड्यूल। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल्स टू sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM congruent to triangle PQN and triangle ABC congruent to triangle PQR. Now we have these two figures. First is of triangle ABC, second is triangle PQR. Now in this triangle ABC, this AB side is equals to this PQ side. And second thing, this side BC is equals to this full side QR. So first thing is given AB equals to PQ and second thing is given BC equals to QR and third thing is given this median AM. This median AM is equals to this median PN. AM equals to PN. These three things are given equal. Now we have to, first of all we have to congruent these two triangles. ABM means this is small triangle left hand side and PQN this is small triangle left hand side. So this one, again I am showing you this triangle ABM, isko congruent karna hai this triangle PQN ke, theek hai? तो ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रेंट करना है। अब इन ट्राइंगल्स में एज वी कैन सी कि दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस मीडियन इक्वल्स टू दिस मीडियन, ठीक है, मीन्स ए एम इक्वल्स टू पी एन। एंड थर्ड थिंग वी डोंट हैव, ना तो हमारे पास कोई एंगल इक्वल गिवन है और ना हमारे पास में कोई साइड इक्वल गिवन है इस ट्राइंगल में। अब ये जो साइड बी एम है और ये जो साइड क्यू एन है, तो बी एम इक्वल्स टू क्यू एन इक्वल गिवन नहीं है, हमको इक्वल गिवन है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, मीन्स दिस फुल साइड इक्वल्स टू दिस फुल साइड, ठीक है। अब एम ए एम इज़ द मीडियन, मीडियन का मीनिंग क्या होता है, मीडियन, मीडियन का मीनिंग होता है ए एम इज़ द मीडियन, मतलब जो अपोजिट वर्टिसेस जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो मीडियन कहलाता है। तो ये आपका BC का मिड पॉइंट M है और अपोजिट वर्टिस से ये ज्वाइन हो रहा है तो ये मीडियन हो गया। तो ये M क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट, एंड N क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट। ये M और N क्या हो गए यहाँ पे, मिड पॉइंट्स हो गए। अब मिड पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, मिड पॉइंट क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये जो BC है तो इस BC में BM इक्वल्स टू CM हो जाएगा और ये जो आपका QR है ये QN इक्वल्स टू NR हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसमें कि बी सी इक्वल्स टू क्यू आर गिवन है क्वेश्चन में कि दिस फुल साइड इक्वल्स टू दिस फुल साइड। अब अगर हम दोनों साइड में हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। तो हाफ ऑफ बी सी, इस बी सी का हाफ हम क्या लिख सकते हैं, बी एम लिख सकते हैं, एंड हाफ ऑफ क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एन लिख सकते हैं। तो ये हमारा बी एम इक्वल्स टू क्यू एन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको यही करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ सी द सॉल्यूशन गिवन, फर्स्ट यू विल राइट द गिवन थिंग्स, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए एम इक्वल्स टू पी एन। टू प्रूव में जो भी हमको प्रूव करना है फ्रॉम द क्वेश्चन यू विल राइट टू प्रूव। नाउ प्रूफ में, प्रूफ में सबसे पहले आपको क्या करना है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर क्वेश्चन में गिवन है, दोनों साइड में हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ बी सी को हम बी एम लिख सकते हैं और हाफ ऑफ क्यू आर को हम क्यू एन लिख सकते हैं क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट एंड एन इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका बी एम इक्वल्स टू क्यू एन आ गया, सबसे पहले ये करना है। नाउ नेक्स्ट आपका चलेगा इन ट्राइंगल ए बी एम, अब फर्स्ट पार्ट आ गया आपका इन ट्राइंगल ए बी एम एंड पी क्यू एन। अब कम टू द फिगर, अब यहाँ पे ईजीली यू कैन फाइंड ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है, दिस ए एम इक्वल्स टू दिस पी एन, ठीक है, एंड बी एम इक्वल्स टू क्यू एन, प्रूवड अबाउ से। तो एस 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 कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए एस 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 से, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू वी कैन राइट, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ये सी पी सी टी से जब हम एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू करेंगे तो ये हमको नेक्स्ट वाले पार्ट में काम आएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी।
तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर, और यू कैन राइट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू. सेकेंड पार्ट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. अब अगेन कम टू द फिगर. अब इसमें देखो दोनों ए बी सी एंड पी क्यू आर. अब ए बी सी ये फुल ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल. ये ट्राइंगल ए बी सी और ये ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है. इसमें ये चीज़ इक्वल नहीं है, ठीक है. ये बुक में आप यू कैन सी द फिगर फ्रॉम द बुक. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या है आपके पास में, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू गिवन इन द क्वेश्चन, देन दिस फुल बी सी इक्वल्स टू दिस फुल क्यू आर, ठीक है. ए बी इक्वल्स टू पी क्यू दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, एंड थर्ड थिंग एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू. थर्ड थिंग में आप ए एम इक्वल्स टू पी एन नहीं ले सकते क्योंकि वो इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, वो ट्राइंगल के इनसाइड में है, उसकी कोई साइड्स नहीं, ट्राइंगल की साइड फॉर्म नहीं हो रही है उससे, ठीक है. तो थर्ड थिंग आपको लेना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, और ब्रैकेट में यू कैन राइट प्रूव्ड अबव, जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ठीक है. तो अब ये कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया, एस ए एंड एस साइड एंगल साइड. तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. डन द सम, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर. बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस. बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अब आपको यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ वन ट्राइंगल ए बी सी. इसमें बी ई एक एल्टीट्यूड बनाना है, दिस इज़ द एल्टीट्यूड बी ई. एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. दिस इज़ द एल्टीट्यूड सी एफ मीन्स 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है. नाउ फर्स्ट थिंग तो इज़ दिस, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस. ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलस बताना. आइसोसेलस मीन्स इन विच टू साइड्स आर इक्वल, मीन्स हमको ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है, ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट गिवन एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ 90 डिग्री बिकॉज दीज आर एल्टीट्यूड. बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड्स. बी ई इक्वल्स टू सी एफ इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. टू प्रूव में ए बी इक्वल्स टू ए सी, जब ए बी इक्वल्स टू ए सी कर देंगे मीन्स ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल. नाउ अब आर एच एस, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन कि फ्रॉम द आर एच एस कॉन्ग्रेंस वी हैव टू प्रूव दैट दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलस. तो इसमें हमको आर एच एस ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है. अब यू विल टेक दिस ट्राइंगल फर्स्ट. अब आर एच एस में क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड. तो अब देखो यहाँ पे ये राइट एंगल है, इसके अपोजिट हाइपोटेनियस कौन सा हो गया, बी सी, ठीक है. और साइड कौन सी इक्वल गिवन है हमको, बी ई इक्वल्स टू सी एफ गिवन है. मीन्स ये हमारा एक ट्राइंगल बना एफ बी सी, दिस इज़ द फर्स्ट ट्राइंगल. ट्राइंगल का नेम प्रॉपरली लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स, मार्क्स विल बी डिडक्टेड. तो फर्स्ट ट्राइंगल तो आपका हो गया एफ बी सी. अब जिस सीक्वेंस में एफ बी सी को लिया है उसी सीक्वेंस में अदर ट्राइंगल को लेंगे. तो अब आप नेक्स्ट क्या लोगे, F के बाद में B लिया तो यहाँ पे E के बाद में C लेना है, ई सी बी. नेक्स्ट ट्राइंगल इज ई सी बी, ये आपका राइट एंगल है, इसके अपोजिट हाइपोटेनियस है और ये वाली साइड हो गई. अब आपको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है. तो फर्स्ट थिंग तो बी ई इक्वल्स टू सी एफ, ये आपका बी ई एल्टीट्यूड ग्रीन वाला, और सी एफ एल्टीट्यूड ये आपका ये रेड वाला. बी ई इक्वल्स टू सी एफ, then angle F equals to angle E 90 degree each, it is given in the question, and 90 degree के opposite वाली side BC. सी तो F के angle F के opposite side BC सी और एंगल E के भी opposite side BC सी है. मीन्स इसमें ये हाइपोटेनियस क्या है आपका, कॉमन. तो यू कैन राइट इट हाइपोटेनियस कॉमन, ठीक है. तो ये आपका हो गया राइट एंगल, दिस वन इज़ द राइट एंगल, दिस वन इज़ द हाइपोटेनियस एंड दिस वन इज़ द साइड. तो आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. देन अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है. तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा. तो एंगल बी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ए सी, एंड एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी.
तो ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कहती है कि इफ़ द एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया एंड सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैंड्स प्रूव। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4। ना अब बिकॉज इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन कि आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से ही आपको ये प्रूव करना था, ठीक है। अगर हम आर एच एस, अगर ये क्वेश्चन में आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल गिवन नहीं होता तो दिस क्वेश्चन वी हैव डन इन एक्सरसाइज 7.2 ऑल्सो। तो आप ये वाला भी ले सकते थे, ए बी ई वाला। अगर आप ट्राइंगल लेते तो इसमें एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाता, ठीक है, और बी ई इक्वल्स टू सी एफ हो जाता और एंगल ए कॉमन हो जाता। मीन्स ए ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल से यू कैन प्रूव बोथ द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला नहीं लेना है आपको बिकॉज इट इज़ रिटन इन द क्वेश्चन कि आर एच एस कॉन्ग्रेंसी आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है दोनों ट्राइंगल्स को। नाउ देन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी सिंपल। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये आपका ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है, इसमें ये ए बी एंड ए सी इक्वल है। फिगर इज़ नॉट गिवन टू यू, यू हैव टू ड्रॉ द फिगर योर सेल्फ। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब आपको यहाँ पे एक ए पी बनाना है जो कि परपेंडिकुलर है बी सी के। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो बोथ द साइड 90 फॉर्म करेगा। शो दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी प्रूव कर शो करना है हमको। तो ये दीज टू ट्राइंगल्स यू हैव ए बी पी एंड ए सी पी, ठीक है, या यू कैन राइट दिस ए पी बी एंड ए पी सी। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग इज तो गिवन टू अस ए बी इक्वल्स टू ए सी। सेकेंड थिंग दिस 90 एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी। तो ये आपका 90 हो गया, 90 के अपोजिट वाला ए बी हाइपोटेनियस, इधर 90 के अपोजिट वाला ए सी हाइपोटेनियस, ठीक है। अब एक और चीज़, अब उसमें क्या चाहिए, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। नाउ साइड चाहिए, तो साइड कौन सी इक्वल गिवन है, ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन। तो ये आपका आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ए पी इक्वल्स टू ए पी कॉमन, ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए पी सी 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन। तो आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो गया। तो हैंड्स प्रूव बाय सी पी सी टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। मीन्स इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स ऑफ दैट टू ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। तो ये आपका हैंड्स प्रूव। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी हैव टूडे वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 7.3 ऑल्सो एंड एक्सरसाइज 7.4 इनइक्वलिटीज ऑफ इन ट्राइंगल। तो दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो एक्सरसाइज 7.4 वी विल नॉट डू एंड वी हैव कम्प्लीटेड आर चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। एक्सरसाइज 7.1 वी हैव डन, 7.2 वी हैव डन एंड 7.3 वी हैव डन, ठीक है। नाउ 7.4 इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो लाइक दिस वी हैव कम्प्लीटेड आर दिस चैप्टर। नाउ डू दी सम्स इन योर नोटबुक। इन द सेम नोटबुक यू हैव टू डू दी सम्स। थैंक यू।